brought to you by FivePassa.com. Download the app now. नमस्कार मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं हमारा डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी साथ में हैं इंडिया टुडे हिंदी के एडिटर अंशुमन तिवारी जी नमस्कार सर कैसे हैं आप मैं अच्छा हूं दर्पण खर्चा पानी के इस सोमवार के संस्करण में या सप्ताह के पहले संस्करण में आप सब लोगों का स्वागत है अंशुमन सर हमारे लाइनअप में आज तीन खबरें हैं पहली जुड़ी है जोमेटो की बम्पर लिस्टिंग से दूसरी है वोडाफोन आइडिया के भविष्य को लेकर और तीसरी है भारत की अपनी सरकारी डिजिटल करेंसी से जुड़ा एक अपडेट तो आ, सबसे पहले जोमेटो की बात करते हैं जिसके बारे में आईपीओ जो लिस्ट हुआ है उसका बीते सप्ताह वो आ, काफी बम्पर लिस्ट हुआ है लेकिन इससे जुड़ी हुई कुछ और चीजें हैं कुछ और अपडेट हैं जिनके बारे में आ, दर्शक जानना चाहेंगे कि एक तो जोमेटो को लेकर ना बाजार सब दो हिस्सों में बटा हुआ है हम लोग एक खबर भी डिस्कस कर रहे थे जिसमें जो जो के हैं उन्होंने आईपीओ में उतना उत्साह नहीं दिखाया और जो बड़े ब्रोकर हैं वो भी जोमेटो को इसके आईपीओ को लेकर ऐसे शेयर्स को लेकर थोड़ा सा कंजर्वेटिव रवैया अपना रहे हैं तो ये सब क्या है इसको कैसे देखा जाना चाहिए अंशुमन जी दर्पण जोमेटो की आ... आ, लिस्टिंग बड़ी सनसनीखेज और और धमाकेदार रही शेयर बाजार में मैं जोमेटो ने दो हफ्ते पहले शायद उसके ट्विटर हैंडल से एक एक लाइन ट्वीट हुई थी कि मेरा दिल धक धक कर रहा कर रहा है अभी भी बाजार में जबकि जोमेटो की लिस्टिंग हो गई है बहुत सारे लोगों का दिल धक धक कर रहा है और जिन सवालों की तरफ आप जिक्र कर रहे हैं आ, लिस्टिंग वाले दिन हालांकि जोमेटो की लिस्टिंग करीब करीब 30 परसेंट प्रीमियम पे हुई एक लाख करोड़ की का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया हो गया किसी भी स्टार्टअप के लिए और किस ऐसी स्टार्टअप जिसकी रेवेन्यू स्ट्रीम में जिसके के, पास मुनाफा नहीं बल्कि घाटा है उसको बाजार में इतना अच्छा समर्थन मिलना छिहत्तर रुपए की कीमत पर कई दिलचस्प बहसें शेयर बाजार के हाशियों से लेके और ब्रोकरों के दफ्तरों में और विभिन्न रिपोर्टों में तैयार रह लेगी तो हम कई उन सारे पहलुओं को पकड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि सोमवार पहला दिन के बाद पहला पूरा सप्ताह मिलेगा जोमेटो के शेयर को कि उसके बाद बाजार जोमेटो के शेयर को कैसे लेता और कहां स्थिर होता है तीन चार बड़े सवाल लोगों के दिमाग में उभर रहे हैं जोमेटो के शेयर को लेकर पहली चीज तो ये कि इसकी इतनी अच्छी शानदार लिस्टिंग की वजह क्या है है क्योंकि बाजार इससे पहले से ही डिवाइडेड था दो हिस्सों में कि कंपनी का रेवेन्यू स्ट्रीम अच्छा नहीं है पहली चीज दूसरी चीज ये कि अगर आप चूक गए हैं तो क्या करें अगर आप लेना चाहते हैं शेयर को और अगर आपने ले लिया है तो क्या करें क्योंकि अगर आप दूसरे आ, आ, दूसरे हिस्से में खड़े हुए हैं और क्यों भारत के प्रमुख ब्रोकर बड़े स्टॉक ब्रोकर जोमेटो के स्टॉक बहुत, बहुत अच्छी रैंकिंग या बहुत अच्छी ओपिनियन नहीं दे रहे हैं है। ये तीन बड़े सवाल हैं, जिन्हें हम आज चर्चा में ला, में आ, समझने की कोशिश करेंगे तमाम चीजों के साथ जोमेटो एक ऐसा स्टॉक है जिसमें निवेश करने वाले जो प्राइमरी मार्केट के निवेशक हैं जिनको इसका अलॉटमेंट मिल गया है और जो सेकेंडरी मार्केट के निवेशक हैं जो इसे खरीदना चाहते हैं या खरीदने वाले वाले हैं वो दो हिस्सों में बट गए हैं उन्हें आप फंडामेंटल बेस्ड बेस्ड इन्वेस्टर इन्वेस्टर कह कह सकते हैं, कह सकते हैं हैं और पोटेंशियल टेक्निकल तो है नहीं इस स्टॉक स्टॉक के पास क्योंकि में की नई लिस्टिंग हो रही है और चूंकि इसके पियर ग्रुप में इसकी जैसी कोई कंपनियां भारत में है नहीं तो इसलिए इसकी तुलना भी संभव नहीं है कि आप आई की तुलना एंड गैम्बल से या नेस्ले से कर सकते हैं या एस की तुलना पीएनबी से एच बैंक से

का जवाब निकाल लिया जाए कि बाजार में इसकी इतनी शानदार लिस्टिंग की क्या वजह थी दो तीन बड़ी दिलचस्प चीजें लिस्टिंग के बाद निकल कर आई दर्पण एक तो इंपॉर्टेंट बात निकल कर आई कि बाजार में लिस्टिंग के बाद लोगों ने माना कि जोमेटो ने बहुत चतुराई के साथ अपने शेयर की प्राइसिंग की थी ना वो पचास था ना वो सौ था छिहत्तर था तो छोटे इन्वेस्टर्स के लिए जोमेटो बहुत बड़ा ब्रांड होने के कारण उसका शेयर उसे सस्ता समझ में आया ऐसा बाजार के विशेषज्ञ मान रहे थे हालांकि इसी के के परल, इसी के समानांतर चर्चा थी कि ये फिर भी हाई शेयर है इसकी कीमत इतनी नहीं थी लेकिन आ, जो प्राइसिंग थी वो आ, मार्केट का सेंटिमेंट लोग रिटेल इन्वेस्टर्स का साइकोलॉजी उनका नजरिया समझकर डिसाइड की गई थी उसमें शायद काफी काम और सर्वे हुआ था इसलिए ये प्राइस लोगों को अट्रैक्ट कर गया क्योंकि ब्रांड भी बहुत बड़ा था और जोमेटो के साथ नंबर बहुत बड़े बड़े थे इतने लाख करोड़ का निवेश यूनिकॉर्न एक बिलियन डॉलर का यूनिकॉर्न तो सामान्य निवेशक उस एक बिलियन डॉलर के यूनिकॉर्न को एक बिलियन डॉलर की कंपनी समझते हैं एक बिलियन डॉलर का ट्रेड समझने, समझने के, के की गफलत में भी कभी कभी रहते हैं लेकिन जो प्राइसिंग थी वो बहुत स्मार्ट थी एक और चीज जिसने बाजार को चौंकाया और जहां से जो जोमेटो की की लिस्टिंग 30 परसेंट प्रीमियम पे पे होने की बड़ी वजह समझ में आई वो ये थी कि कई सारे सारी ऐसे म्यूचुअल फंड्स ने, इसमें निवेश किया जो आमतौर पर डिविडेंड वाले स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं यानी वो वो कम, आ, वो स्टॉक कम म्यूचुअल फंड जो उन शेयरों में पैसा लगाते हैं जिन शे, जिन जिन शेयरों में कंपनियों का लाभ सुनिश्चित है जिनका मुनाफा होना ही है और उसमें आपको लाभांश मिलना है डिविडेंड मिलना है ऐसे भी कुछ महत्वपूर्ण म्यूचुअल फंड्स ने इसमें पैसा लगाया तो एक तो प्राइसिंग दूसरा कई सारे प्रमुख म्यूचुअल फंड्स का जोमेटो में इन्वेस्ट करना जबकि बाजार का में के एक हिस्से में ये सेंटिमेंट बना होना कि ये स्टॉक के पास इस कंपनी के पास रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं है इसका बिजनेस मॉडल मजबूत नहीं है उसके बाद भी म्यूचुअल फंड्स का इसमें इतना रुचि लेना एक दूसरा पहलू था जिससे इसकी लिस्टिंग अच्छी हुई तो ये तो इसके के लिस्टिंग के रहस्य की बात थी अब हम वापस लौटते हैं उन दोन खे, दो खेमों की तरफ बड़ी दिलचस्प बहस बाजार के साइडलाइन में चल रही राकेश झुंझुनवाला ने कहा थैंक यू मैं जोमेटो में कभी इन्वेस्ट नहीं करूंगा करूंगा जो जो बिग बुल है बहुत सारे महत्वपूर्ण ब्रोकर बहुत सारी सारी इन्वेस्टमेंट फॉर्म जिनकी बाजार में काफी साख है जिनकी बात लोग मानते हैं और जिनके पास अच्छी एनालिसिस है वो भी इसे एक सर्टन लेवल के बाद बेचने की सलाह दे रहे हैं अगर आपने खरीद रखा है एक सर्टन लेवल के बाद इसे होल्ड न करने की सलाह दे रहे हैं

जोमैटो की शेयर आए शेर। तो अगर आपको बाजार से प्राइमरी मार्केट से शेयर नहीं मिला है तो आप उन म्यूचुअल फंड के जरिए जोमेटो में इन्वेस्ट कर सकते हैं यानी उन म्यूचुअल फंड के पास जोमैटो का इन्वेस्टमेंट है उनके पास तो अलॉटमेंट है और वो आप, उन अगर जोमेटो एक एक राइजिंग शेयर होता है अगर तेजी से बढ़ने वाला शेयर होता है तो उन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को फायदा मिलेगा तो कोई बात नहीं अगर आपको प्राइमरी मार्केट से अलॉटमेंट नहीं मिला आप इतने भाग्यशाली साबित नहीं हुए तो आप म्यूचुअल फंड के जरिए जरिए बाजार में, में जा सकते हैं सर आप आगे बढ़े मुझे बीच में धूमिल की कविता की एक लाइन आ रही याद आ रही है तीसरा आदमी कौन है Uh, मेरे देश की संसद मौन है एक उबर भी इसमें है जिसको जिसके बाद दस परसेंट शेयर था उबर ईर्द के चलते वो भी uh, माला माल हो गया है अपने हम हाँ, इस पे ये इसपे इस पे भी हम आते हैं अच्छा? वो जो तीसरा तीसरा सवाल जहां जहां से जहां से इसके इसके फंडामेंटल्स पर सवाल उठ रहे हैं लिस्टिंग हो गई जम बन गया और एक चीज और आ, समझना दर्पण जरूरी है कि लिस्टिंग के आधार पर भारत में स्टॉक्स को को आंकना आँक, अच्छा नहीं है क्योंकि पिछले दो साल में हमने काफी रिसर्च की इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस भी शायद किया है कि भारतीय शेयर बाजार में बहुत सारे स्टॉक्स की लिस्टिंग बहुत ऊंची होती है और उसके बाद फिर वो नीचे आकर बिल्कुल नीचे आ, आ, नीचे आके नुकसान देते हैं इन्वेस्टर्स को तो लिस्टिंग कराना हाई लेवल पर ले जाना स्टॉक को लिस्टिंग के समय ये एक बड़ा नेटवर्क है जिसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं कभी हमको विस्तार से समय

पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं तो आप इस तरह से देख सकते हैं हाँ अगर आप फंडामेंटल इन्वेस्टर हैं तो आपको इन ब्रोकर्स की बात आप अपील करेगी राकेश झुंझुनवाला जैसे ब्रोकर या बाकी लोग राकेश झुंझुनवाला ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही राकेश झुंझुनवाला ने कहा कि जोमेटो एक ऐसी कंपनी है जो आ, जो फादर इन ला की कैपिटल लेकर आती है यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स की कैपिटल लेकर लेकर आती है और एक बिलियन से पांच बिलियन चार बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर, करके बिग कंपनी बनाती है और प्रॉफिट अर्न नहीं करती भारत के स्टार्टअप्स को ऐसे मॉडल डेवलप करने पड़ेंगे जिससे कि वो कैश प्रोड्यूस कर सकें कैश बर्न करने वाले मॉडल्स में काम नहीं चलेगा स्टॉक मार्केट हमेशा फंडामेंटली उन कंपनियों को देखता है जिनका कैश फ्लो बहुत अच्छा है और आप ध्यान से अगर बाजार को देखें तो बाजार में जिन कंपनियों में लंबे दौर की तेजी दिखाई देती है जिनको मल्टी बैगर कहा जाता है जिन्हें जिनमें लंबे निवेश की सलाह दी जाती है चाहे वो आई हो चाहे वो रिलायंस हो चाहे वो एयरटेल हो चाहे वो बैंक हो जिनके कैश फ्लो बहुत अच्छे हैं मार्केट को उस पर ज्यादा भरोसा होता है तो राकेश इंजनवाला उस ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव स्टॉक इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टर्स के ग्रुप से आते हैं जिन्हें जोमेटो में कैश फ्लो की कोई उम्मीद नहीं दिखती जोमेटो तो कैश बर्न कर रही है जोमेटो तो सारा खर्च कर रही है इसको इसको डेवलप कर, करने पे एक चीज दूसरी एक और दिलचस्प बात जिसकी तरफ आपने इशारा इशारा किया और जो बात बाजार में घूम रही जोमेटो की इस महंगी लिस्टिंग का या जोमेटो के इस लेवल तक पहुंचने का फायदा किसको हुआ क्योंकि प्रमोटर्स की हिस्टेक तो इसमें केवल पांच ही परसेंट है नहीं। बाकी नहीं। तो सारी की सारी स्टेक आपने उबर का नाम लिया करीब करीब आधा दर्जन कंपनियां हैं जिनकी जिनकी स्टेक इसमें में, एक प्रमोटर से बहुत ज्यादा ज्यादा है जैसे इन कंपनियों में आ, में इन्फो एज है 18 परसेंट की स्टेक है है उबर जिसका नाम आपने लिया उसकी करीब नौ दशमलव उन्नीस परसेंट स्टेक है है अलीपे है एंट फिनेंशियल है आ, इन अलीपे का हिस्सा करीब आठ दशमलव चालीस परसेंट है एंटफिन का करीब आठ दशमलव छब्बीस परसेंट है इंटरनेट uh, फंड है, है बहुत कम्प, है, है? हिस्से, है, है? तो सारे फंडामेंटल इन्वेस्टर्स जो फंडामेंटल के बेस पर जोमेटो के है, उनका कहना यह कि सारा खेल तो निवेशकों ने बड़े निवेशकों ने पैसा लगाया और उन्हीं को इसका इसकी हाई लिस्टिंग का इसकी प्राइसिंग का फायदा हुआ भारत के प्रमोटर्स को लाभ नहीं हुआ ये आप तीन चार पहलू जो लिस्टिंग के बाद निकल कर आए हैं अब सूत्र दर्पण यह है कि आप पैराडॉक्सिस को भी समझते हुए चले okay. स्मार्ट की पहली जरूरत ये है कि आपको यह भी पता हो कि उसका बिल्कुल उल्टा क्या है उसका पैराडॉक्स क्या है तो वो पैराडॉक्सिस के बीच में पोटेंशियल इन्वेस्टर्स और फंडामेंटल इन्वेस्टर्स के बीच में जोमेटो का स्टॉक झूल रहा है अगले एक डेढ़ हफ्ते में हमें पता चलेगा कि भारत की का ये का, का ये बड़ा स्टार्टअप और फूड डिलीवरी कंपनी अंततः बाजार में खड़ी कहां होती है और लंबे समय में लोग इस पर कितना दांव लगाते हैं किस कीमत का, का दांव लगाते हैं इसके लिए हमें एक दो हफ्ते में और इंतजार करना पड़ेगा कि कितने शेयरों की, की बिकवाली होती है क्या नए सौदे आते हैं और अगर हमारे पास कोई बड़ा अपडेट होगा तो हम खर्चा पानी में आपके पास लेकर जरूर आएंगे अगली स्टोरी में बड़े अंशमन सर मतलब मैं आपसे केवल पॉइंट में जानना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि आईपीओस बहुत आते हैं आते रहे हैं पिछले पिछले कुछ महीनों में तो लगभग बाढ़ की आ गई आ, लेकिन जि, जितनी स्पेकुलेशन पहले आई को लेकर थी फिर छह सात महीने बाद एस बी को लेके थी और अब जितनी जोमेटो को लेके है उतनी कंपेटिवली और आई को लेके नहीं देखी गई ये भी एक मतलब पॉइंट है हाँ इस आ, मतलब स्पेकुलेशन तो सही वर्ड नहीं है जो एंथुजियाजम है जो उत्साह है बाजार में बाजार में वो हमेशा अच्छे आईपीओ को लेकर हमेशा होता होता है लेकिन एस बी आई कार्ड की कहानी बड़ी अजीब है, है। एस बी आई कार्ड एस बी आई कार्ड को लेकर लेकर जितना एंथुजियाजम जितना उत्साह ने देखा था वैसा स्टॉक ट्राक, स्टॉक को मार्केट में साबित नहीं हुआ पर इसके से पीछे एक और चीज है क्योंकि आ,

बलून ऊपर जाए लेकिन बाद में शेयर बाजार में वो आकर वहां वही बैठता है जहां उसकी असली मजबूती और ताक, ताकत ताकत होती है तो इसलिए आईपीओ में अलॉटमेंट और लिस्टिंग इन सारी ची, सारी चीजों को एक लंबे परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए अंशुमन सर चलते हैं दूसरी खबर की ओर और, और मैं बहुत सिंपल सा सवाल पूछूंगा क्योंकि वही जो दर्शक सोच रहे हैं जो जो सवाल आते हैं क्या है वोडाफोन आइडिया का भविष्य सर क्या लगता है क्या चीजें चल रही हैं वोडाफोन आइडिया का भविष्य दर्पण अब बहुत मुश्किल में है सुप्रीम कोर्ट ने जो आ, अपनी रूलिंग दी और उसने उसमें वोडाफोन आइडिया और एयरटेल के इस, की, इस अपील को खारिज कर दिया कि जो एडजस्टेड ग्रास रेवेन्यू की देनदारी यानी पिछली तारीख से जो जो लाइसेंस फीस रेवेन्यू शेयरिंग के फार्मूले में गफलत हुई थी गफलत मैं इसलिए कोर्ट एंड कोर्ट में कह रहा हूँ कि वो गफलत सरकार ने बाद में ढूंढी और कंपनियों पर लगाई और सुप्रीम कोर्ट से वो ऑर्डर लिया उसके कंप्यूटेशन में उसकी गणना में, में कोई गलती नहीं हुई है है यह बात सुप्रीम कोर्ट ने मान ली और कहा कि इस मामले में दोनों टेलीकॉम कंपनियों का क्योंकि एयरटेल और वोडाफोन आइडिया यही दोनों उस आ, उस एजीआर की चपेट में फंसी हैं प्रमुख रूप से इनकी अपील को खारिज कर दिया अब यहां से वोडाफोन के लिए भविष्य की भविष्य की, की बड़ी समस्या है वोडाफोन को ढाई हजार करोड़ रुपए का जुगाड़ तुरंत करना है अगले कुछ महीनों में सरकार को यह एजीआर पे करने के लिए जिसका आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कंपनी एक दशमलव आठ लाख करोड़ के डेट पे बैठी हुई है एक दशमलव आठ लाख करोड़ का कर्ज है, है। कैश बैलेंस साढ़े करोड़ रुपए के आसपास का है कंपनी चूंकि इस बुरी तरह से एजीआर और रेवेन्यू और लॉसेस में फंस चुकी है कि वो ना तो अपने नेटवर्क को एक्सपेंड कर पा रही है और ना अपनी कंपनी को प्रॉफिटेबल बना रही है आज की स्थिति यह है कि वोडाफोन आइडिया ने जितनी तेजी से मार्केट लूज किया है इस है उस वजह से वोडाफोन आइडिया टैरिफ बढ़ाने की स्थिति में भी नहीं है कि वो अपनी अपनी दरें बढ़ा दे अपना डेटा के रेट बढ़ा दे अपने कॉल के रेट बढ़ा दे क्योंकि मार्केट बुरी तरह से से टूट रहा है एक दशमलव आठ लाख करोड़ का डेट जिस कंपनी पर लदा हुआ है प्रॉफिटेबिलिटी रिस्क में है बैंकर्स आगे उसे एजीआर पे करने का पैसा देंगे कि नहीं देंगे ये कहना मुश्किल है क्योंकि कंपनी के कप, के प्रॉफिट्स नहीं है कंपनी लगातार क्राइसिस में है मार्केट में पिछड़ रही है फाइव है, जी की बात शुरू हो रही है वोडाफोन आइडिया के पास तो फोर जी के नेटवर्क के, के ही चैलेंज बने हुए हैं ऐसी स्थिति में वोडाफोन आइडिया को का सर्वाइवल बहुत सारे लोगों के दिमाग में लगता है कि मुश्किल है जब तक कि सरकार इसे कोई बेल आउट नहीं देती सरकार अगर वोडाफोन आइडिया को कोई बेल आउट देती है सरकार अगर कंपनियों के एजीआर को डिफर करती है माफी देती है तो अगर सरकार ऐसा करेगी तो फिर वोडाफोन आइडिया के लिए अकेले क्यों होगा फिर वो एयरटेल के लिए ही हो, होगा तो इससे जो दो संभावनाएं बनती दिखाई देती है एक संभावना तो ये कि अगर सरकार इस कंपनी को बचाना चाहेगी तो वो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाल के एजीआर के भुगतान की प्रक्रिया को इन कंपनियों के लिए थोड़ा सहज बनाएगी लंबे समय के लिए टालेगी तो वोडाफोन को एक एक सिलेंडर ऑक्सीजन मिल जाएगी थोड़े समय तक चलने के लिए लेकिन उस ऑक्सीजन से कंपटीशन में वोडाफोन आइडिया खड़ी हो पाएगी मुश्किल दिखता है टैरिफ बढ़ा पाएगी मुश्किल दिखता है खोया हुआ मार्केट शेयर जो एयरटेल और जियो खा गए हैं उसे वापस गेन कर पाएगी बहुत ही मुश्किल दिख, दिखता है, है कंपनी को सरवाइव कराने के लिए सरकार की तरफ से, से एक, सा, एक राहत अगर मिले तो शायद शायद थोड़ी सी थोड़ा समय समय बच आ, से कंपनी लड़खड़ाने से या बिल्कुल किनारे जाने से बच, बच जाएगी लेकिन दूसरा जो पहलू ये ये भी है कि एजीआर पे करने के बाद भी क्या वोडाफोन कॉम्पिटेटिव बनी रह पाएगी जी। इस रियायत के बाद भी वोडाफोन मार्केट में स्टैंड कर पाएगी क्या वोडाफोन आइडिया ये आ, चुनौती है और अगर वोडाफोन आइडिया बाजार से से निकलती है तो फिर भारतीय शेयर बाजार में तो स्पष्ट डुओपोली हो जाएगी अभी तो आपको कहने को तीन ऑपरेटर्स दिखाई देते हैं मार्केट में कम से कम कि जियो एयरटेल और, और वोडाफोन आइडिया है वोडाफोन आइडिया का जाने का मतलब है कि बाजार दो हिस्सों में में, में बट गया हम एक तरीके की कि कि में, में चले गए जिसमें के दो ऑपरेटर्स सब कुछ कर रहे हैं आने वाले एक दो हफ्तों में शायद हमें पता चलेगा कि वोडाफोन आइडिया ने सरकार से क्या बात की और सरकार ने उस पर क्या प्रतिक्रिया दी आपने जब तीन कहा तो मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था क्योंकि आपको याद होगा हमने एक वीडियो की थी जिसमें आ, ब, ब, मि, मित्तल जी ने बात की थी कि ढाई कंपनियां बची रह गई और दुख म, कोई व्यंग मारते हुए नहीं दुख व्यक्त करते हुए लगभग कहा था तो... तो ढाई ढाई है दाई है को अब मानी है को आप आधा ही मानिए मानिए लेकिन फिर भी एक एक कंपटीशन का हिस्सा कम तो कम से कम होल्ड कर रही हालांकि बहुत तेजी से वोडाफोन आइडिया के का जो यूजर बेस है वो लड़खड़ा रहा है और सिकुड़ रहा है अंशुमन जी तीसरी और अंतिम खबर की ओर बड़े उससे पहले मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा जैसे एजीआर की बात की आपने और एआरपी की बात की उसके बारे में हमने आसान भाषा में मैं की, आ, किया है कि ये दोनों चीजें क्या होती है जिसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक आपको डाल देंगे तीसरी खबर अंशुमन जी मैं अर्थात आपने और सिद्धांत जी ने किया था क्रिप्टो करेंसी को लेके जिसमें सबसे बड़े मुद्दे ये थे आपने बड़े लॉजिकल ढंग से बताया था कि क्रिप्टो करेंसी क्यों आ, करेंसी भी नहीं है इन्वेस्टमेंट uh, भी नहीं और तीन 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 जो मुख्य चीजें होती है तीनों में से एग्जिस्ट नहीं करती है तो भारत की अपनी डिजिटल करेंसी आ रही है खुश हैं अंशुमन जी <laughs> आ रही है अभी कम से कम बातें तो चल रही हैं खुश होने से ज्यादा जैसा कि जो लोग खर्चा पानी को करीब से फॉलो कर रहे हैं या जनवरी से जब से हमने इस डिबेट में, में को अलग अलग मौकों पर डिस्कस करना शुरू किया है तब तो से हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि दुनिया के बैंक अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाने की तैयारी कर रहे हैं आप शायद दो तीन हफ्ते पहले हमने खर्चा पानी के संस्करण में इस पर पे चर्चा की थी कि कौन कौन से देश गव कॉइंस उनको गव कॉइंस कहा गया है सरकारी करेंसी जो उनकी अपनी अपनी लीगल टेंडर है जो उनकी अपनी सॉवरिन करेंसी है उसका डिजिटल वर्जन लाने की तैयारी कर रहे हैं चाइना के बारे में हम बात कर चुके हैं युवा आ, का ट्रायल हो चुका है, है आ, आ, फेडरल रिजर्व ने अमेरिका में डिजिटल करेंसी की का प्रोसेस शुरू कर दिया है यूरो का डिजिटल वर्जन तैयार हो रहा है और कई सारे यूरोप के देशों में अलग अलग जिनकी अपनी करेंसीज हैं हैं और इस पर काम कर रहे अब आरबीआई आरबीआई ने 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 हालांकि बात पिछले साल चार महीने पहले भी कही थी कि आ, गवर्नर ने कि वो अपनी सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी पर काम कर रहे हैं अब आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि आरबीआई पूरी तैयारी कर रहा है कि उसकी भी एक सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आए यहां से ये पूरा का पूरा जो डिजिटल करेंसी का मार्केट इसे क्रिप्टो से कंफ्यूज मत करें क्रिप्टो एक टेक्नोलॉजी है क्रिप्टो प्राइवेट करेंसीज हैं हम यहाँ पर सरकारों की करेंसी की बात कर रहे हैं उन लीगल टेंडर्स की बात कर रहे हैं जिसके नोट पर लिखा होता है कि मैं आपको इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं और इसलिए वो लीगल टेंडर टेंडर है हम उसकी बात कर रहे हैं उन करेंसी का डिजिटल वर्जन हमारे सामने आने वाला है इन्हें नई भाषा में गव कॉइंस कहा जा रहा है इसके बाद बाजार में एक प्रक्रिया शुरू होगी जो डिजिटल करेंसी के मार्केट को रेगुलेट करने में उन्हें बेहतर करने में मदद करेगी अभी हाल में ही एक दिलचस्प सर्वे मेरे पास आया बिटकॉइन डॉट कॉम ने यह पब्लिश किया इस सर्वे के मुताबिक दुनिया में करीब करीब सिक्सटी परसेंट लोगों ने अलग अलग देशों में यह पाया इसका समर्थन किया कि केंद्रीय बैंकों को अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करनी चाहिए और वो इन डिजिटल करेंसीज में काम करेंगे कारोबार करेंगे इनको पेमेंट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और जैसा हमने अर्थात में डिस्कस किया था कि करेंसी कमोडिटी भी है क्योंकि आप उनका ट्रेड भी कर सकते हैं और करेंसी एक एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट भी है जिसके बदले आप सामान भी खरीद सकते हैं और करेंसी एक पेमेंट सिस्टम भी है जिसके आप करते हैं। करते हैं। तो आप उनका मानना था कि चूंकि डिजिटाइजेशन बड़े पैमाने पर हो रहा है तो इन लोगों ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के कॉन्सेप्ट का समर्थन किया, किया। ये करेंसी अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी से कैसे फर्क होंगी े कहना मुश्किल है कि कौन सा बैंक कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करेगा कोई ब्लॉकचेन की तकनीक का इस्तेमाल करेगा या किसी दूसरी चीज का इस्तेमाल करेगा यह भी तय नहीं है पर दुनिया के कई बड़े बैंक ये तय कर चुके हैं कि वो अपनी करेंसी लाएंगे संकेत यह है कि वो प्राइवेट करेंसी को बहुत ज्यादा मान्यता देने के पक्ष में नहीं है मॉनिटरी सिस्टम में वो सरकारी करेंसी का दखल और दबदबा बनाए रखना चाहते हैं रिजर्व बैंक भी उसी दिशा में सोचकर इस करेंसी करेंसी की प्लानिंग कर रहा है अब यहाँ कई सारे दिलचस्प सवाल शुरू होंगे जो भी किसी भी बैंक ने नहीं बताया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज करेंसीज पर काफी रिसर्च अवेलेबल है आईएमएफ की भी कुछ रिसर्च अवेलेबल है और उसमें भी वही सवाल है भी कि वो अलग-अलग बैंकों को तय करना है हमारा जो एग्जिस्टिंग मॉनेटरी सिस्टम है उस मॉनेटरी सिस्टम में में जो मनी की वेलोसिटी काउंट जा, की जाती है वो मनी की प्रिंटिंग और उसके इस्तेमाल के तौर पर काउंट की जाती है डिजिटल पेमेंट्स आने के बाद हमने एक नए पेमेंट सिस्टम में प्रवेश किया है जो डिजिटल मनी नहीं है डिजिटल ट्रांजैक्शन है ये फर्क समझना जरूरी है जब आप यूपीआई से पैसा भेजते हैं या आप एनई से पैसा भेजते हैं तो वो डिजिटल करेंसी नहीं है वो एक पेमेंट सिस्टम है वो एक डिजिटल ट्रांजिक्षन है ट्रांजिक्षन तो आप उसी करेंसी में कर रहे हैं, कर रहे रहे हैं हैं जो करेंसी आपके पास है पर जब आप डिजिटल करेंसी लेकर आएंगे तो वो मॉनिटरी डिजाइन में फिट कैसे होगी hmm. कितनी करेंसी प्रिंट की जाती है उसकी मनी सप्लाई कैसे, कैसे कैलकुलेट की जाती है सिस्टम में मनी सप्लाई की कितनी जरूरत है डिजिटल करेंसी उसमें कैसे आए, आएगी ये बैंकों को इसके नए नियम तय करने होंगे यही बात रिजर्व बैंक के गवर्नर ने संकेतों में कही कि हम इस पर काम कर रहे हैं तो अभी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का मॉनिटरी मॉडल एक करेंसी का मॉनिटरी मॉडल है और एक करेंसी का टेक्नोलॉजी मॉडल है

सरकारें और सेंट्रल बैंक प्राइवेट करेंसी को एज ए कमोडिटी ट्रेड होने देंगे इन्हें बनाए रखेंगे या या इन्हें 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 खत्म किया जाएगा या इने इने चलाये रखा जाएगा चलाए रखा इन सारे सवालों के जवाब अभी स्पष्ट बिल्कुल नहीं नहीं है लेकिन जो अपडेट है सबसे बड़ा वो ये कि भारत का रिजर्व बैंक भी सीबीडीसी की दिशा में आगे बढ़ गया है अंशुमन जी आज भी आपने उसको हल्का सा छुआ था और पहले भी आपने बिल्कुल विस्तार पूर्वक एक्सप्लेन किया था कि डिजिटल करेंसी और डिजिटल ट्रांजेक्शन में क्या अंतर है डिजिटल करेंसी जो है वो आपके सिस्टम के अंदर है वो एक सॉफ्ट है डिजिटल ट्रांजेक्शन में क्या है कि जैसे मैं अगर आपको एक हजार रुपये ट्रांसफर करता हूँ तो आप उसको कैश भी निकाल सकते हैं uh, ये अंतर स्पष्ट हो जाता है बिल्कुल क्लियर हो जाता है इसके अलावा और कुछ जानने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती uh, सवाल ये पैदा होता है कि जब डिज डिजिटल ट्रांजेक्शन जैसी चीजें हैं तो डिजिटल करेंसी का बेनिफिट क्या है एडवांटेज क्या होगा अगर वो सिस्टम के भीतर ही है से। हाँ, ये बात ये, ये चीज बैंकों को स्पष्ट करनी पड़ेगी दो पहलू हैं इसके पहला पहलू यह है कि पहली चीज तो कि प्राइवेट डिजिटल करेंसी को काउंटर करना जरूरी है बैंकों के लिए क्योंकि बैंक ये बिल्कुल नहीं चाहते कि करेंसी के मार्केट में कोई प्राइवेट सिस्टम डेवलप हो जाए उसकी मनी सप्लाई कैसे काउंट होगी वो सिस्टम में कैसे यूज होगा फिर वो पेमेंट्स में कैसे जाए जाए जाएगा तो करेंसी एक सॉरेन एक्टिविटी है करेंसी एक संप्रभु एक्टिविटी है उस सॉवरेन एक्टिविटी को सॉवरेन रखा जाए तो यदि लोग ये चाहते हैं कि उन्हें डिजिटल करेंसी में पेमेंट दिया जाए उन्हें डिजिटल करेंसी में ट्रांजैक्शन करने की सुविधा दी जाए उन्हें डिजिटल ढंग से से चीजें खरीदने और बेचने की सुविधा दी जाए तो उसके लिए बैंकों को अपनी डिजिटल करेंसी बनानी चाहिए वो उनके उस बास्केट का उस बड़े इकोसिस्टम का ही पार्ट होगी जिसमें आप प्रिंटेड करेंसी को देखते हैं या पेपर करेंसी को देखते देखते हैं है उसी का हिस्सा होगी अब यही पर वो सवाल है कि अगर मान लीजिए कोई एक कंट्री साल भर में में एक्स नंबर के की करेंसी प्रिंट करता है करता है तो उस एक्स नंबर्स के करेंसी की करेंसी की, करेंस, की करेंसी प्रिंटिंग में कितना हिस्सा डिजिटल करेंसी के तौर पर माना जाएगा और कितना पेपर करेंसी के तौर पर माना जाएगा यही वो फार्मूला है जिस फार्मूले का बैंक्स का के बारे में बैंकों को हम लोगों को बताना है तब हम इसका रेलेवेंस समझ पाएंगे तब तो हम इसका की जरूरत समझ पाएंगे और तब हमें मान पाएंगे कि इस करेंसी का

शुक्रिया अंशुमन जी तो ये था आज का खर्चा पानी एपिसोड या शो के बारे में अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर जाहिर कीजिएगा शुक्रिया एक बार फिर से शुक्रिया जी बहुत बहुत धन्यवाद